subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any updates. नमस्ते दोस्तों, स्वीट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमकीन शंकरपाले। इसके लिए हमने आधा किलो मैदा लिया है, 1.25 ml दूध लिया है, 1.25 ml घी लिया है, 1 tablespoon के करीब हम कुटा हुआ जीरा डालेंगे, 1/2 tablespoon के करीब हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और नमकीन बनाने हैं तो स्वाद के अनुसार उसमें नमक डालेंगे। 1 से 1 tablespoon के बराबर हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। दूध लिया है हमने, वो दूध हम गर्म करने के लिए एक बर्तन में डाल देंगे। दूध को उबाल आ चुका है, ये जो घी हमने लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा घी, ऐसा लगता है ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा घी हमने बचा के रखा है। बस इसको थोड़ा सा ही ऊपर आने देते हैं दूध को घी के और गैस बंद कर देंगे। दूध ऊपर आ चुका है घी के, अब हम गैस बंद कर देंगे। कढ़ाई हम तेल के लिए गर्म करने के लिए तब तक रख देते हैं। जीरा डाल देते हैं इसमें, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, नमक डालेंगे, 1 tablespoon से थोड़ा सा ही कम नमक डाला है हमने इसमें। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, मसाला और नमक इसको मिला मिला के हम डालेंगे, क्योंकि क्या होता है कि घी खाली ऊपर आ जाता है और दूध का पानी नीचे ही रह जाता है। तो हिला हिला के हम इसको डाल के आटा गूंदेंगे। हमने कल जो शंकरपाली बनाई थी तो उसमें हमें थोड़ा सा मैदा और लगा था, तो कल मैं आपको वो बताना रह गया था मेरा। तो कल की रेसिपी आप देखी होगी या ये रेसिपी देखोगे तो आपको फिर ये मैं उसके लिए बता रही हूँ। इस तरह से कल की तरह से ये भी आटा हम गूंद लेंगे। उतना सब पानी इतने आटे में लग चुका है और पानी कुछ डालने के दूध डालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल की केस में ऐसा हुआ था, शक्कर ज़्यादा पिघलने से थोड़ा सा हमें मैदा और डालना पड़ा था। इस तरह से हमने कल की तरह सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। बहुत सॉफ्ट मतलब कि पतला भी नहीं किया है और बहुत टाइट भी नहीं गूंदा है, आप देख सकते हो। तो अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और इसके बाद हम इसकी शंकरपाली बनाएंगे। इसमें से हमने एक बड़ा डो तोड़ लिया है, इसको हाथ से हम थोड़ा सा सरीका कर लेते हैं, मतलब कि उसको किनार थोड़ी थोड़ी खुली जाती है, तो इसको मैं नीचे ही बेल लेती हूँ, क्योंकि हमें ये जो इसकी रोटी है ये बहुत ज़्यादा पतली बेलनी है। जैसी मीठे शंकरपाले के हम थोड़ी थिक रखते हैं, लेकिन इसका नहीं है, इसको हमें ज़्यादा पतला बनाना है। आप देख सकते हो इतनी पतली इसकी रोटी हमने बना ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे, ये जो किनार फटी हुई है वो निकाल लेंगे। जीरा रहने की वजह से जहाँ हमारा जीरा आ जाता है बीच में तो हमारा ये जो कतरने का है ये फिसल जाता है, इसको निकाल लेंगे। या तो आप एक काम भी कर सकते हो, बड़ी थाली या परात ऐसी इसके बैक साइड इस पे आप बेल सकते हो, तो उठाने में भी आसानी बढ़ती है। तो इसको हम बहुत छोटा छोटा कट करेंगे, बड़ी बड़ी नहीं बनाएंगे इसकी शंकरपाली। जो नमकीन होती है वो ऐसी छोटी छोटी अच्छी लगती है, जो बच्चों को चाय के साथ अच्छी लगती है। इसको आप इस तरह से निकाल ले सकते हो
अभी हमने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और एक ध्यान ये भी रखना है, मैं कल भी आपको बताना भूल गई थी कि जब भी हम दिवाली का कोई भी फराल तलने का मतलब बनाते तो वो सनफ्लावर मतलब कि उसका स्मेल नहीं होती है, तो ग्राउंडनट ऑयल नहीं यूज करना है हमें, जिसका बास नहीं होता है, स्मेल नहीं आती है कोई, वो तेल हमें यूज करना है। तेल गर्म हुआ कि नहीं ये देखते हैं हम, तो हमारा तेल बराबर से गर्म हो चुका है। हम जब डालते तो झट से हमारी शंकरपारी ऊपर आ जानी चाहिए, तो इसमें भी यही सावधानी रखनी है हमें कि बहुत ज़्यादा बैच नहीं डालनी इसमें, नहीं तो तेल बहुत ऊपर आ जाता है क्योंकि हमने उसके अंदर भी घी का इस्तेमाल किया होता है। और उसके बाद हमें इसको थोड़ी देर से लगातार से चलाते हुए तल लेना है। मीडियम से थोड़ा हाई टेम्परेचर हम इसके लिए करते हैं। देखिए हमने इसको फ्राई कर लिया है, बहुत तो पतली बेली थी हमने तब भी ये थोड़ी सी फूल चुकी है। आप चाहे तो और भी इससे पतला बेल सकते हैं, ये पतली जितनी रहेगी उतनी अच्छी लगती है। तो अब इसको हम ठंडा होने के बाद आपको इसका क्रिस्पीनेस और इसका टेस्ट का कैसा है वो बताएंगे। नमकीन शंकरपाली हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। आप ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।